असलम एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल आज की वीडियो में आई विल वॉक यू थ्रू द इंटायर प्रोसेस इन अ सक्सेसफुल डिजिटल लॉन्च आज की वीडियो में मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से तुम्हें एक डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर्म करनी है अपने किसी भी ब्रांड सर्विस या प्रोडक्ट को ऑनलाइन लॉन्च करने के लिए उसकी सेल्स फनल बनाने के लिए और उसको सक्सेसफुल ऑनलाइन प्रोमोट करने के लिए अच्छा बहुत से लोग गलती किया करते हैं या बहुत से नहीं हूँ डिजिटल मार्केटर्स जो कि ला हज़ारों की तादाद में हर महीने ग्रेजुएट कर रहे हैं छोटे छोटे इंस्टीट्यूट से छोटे छोटे शॉर्ट कोर्सेस करके और वो समझ रहे हैं कि अब मैं डिजिटल मार्केटर बन गया हूँ तो भाई एक पोस्ट को डिज़ाइन करके प्रमोट कर लेने से आप डिजिटल मार्केटर नहीं बन जाओगे ये बहुत ज़्यादा वास्ट फील्ड है इसमें बहुत सारे एंड्स और कॉर्नर्स को आ, आपने कवर करना होता है तो उसमें से एक मैं तुम्हें ना एक रफ सा कंप्लीट एक प्रोसेस समझाने वाला हूँ एंड आई एम श्योर अगर तुमने नहीं सीखा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस लॉन्च अ प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन तो दिस वीडियो इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू क्योंकि ये तुम्हें पूरा प्रोसेस से वॉक थ्रू करा देगी और अगर तुमने काफी चीज़ें मिस भी करनी करनी है ना तो उन तमाम अपने स्किल सेट को तुम रिलेट कर सकोगे डिजिटल मार्केटिंग के प्रोसेस को लेके दिस वीडियो विल हेल्प नॉट ओनली द स्टूडेंट्स हुआ लुकिंग टू लर्न डिजिटल मार्किटिंग बट ऑल्सो द बिजनेस ओनर्स वो कारोबारी हज़रा जो कि ऑनलाइन स्ट्रैटेजी को समझना चाह रहे हैं अपने बिजनेस को ऑनलाइन सक्सेसफुल लॉन्च करना चाह रहे हैं अब चाहे वो खुद लॉन्च करें या किसी स्टूडेंट की या किसी फैलो डिजिटल मार्किटर की मदद लें पूरे उसमें उनको इंटायरली एक प्रोसेस एक साइकिल समझ में आनी चाहिए ताकि वो सक्सेसफुल अपने डिजिटल लॉन्च को ले कर चल सकें और उनको पता रहे कि कहाँ पर किस चीज़ की गलती आ रही लेट्स गेट स्टार्टड देखिए, डे ज़ीरो के ऊपर जो अमूमन लोग गलती कर रहे होते हैं ना दे डायरेक्टली स्टार्ट विद ब्रांड नेम लोगो और वेबसाइट बनाने से स्टार्ट कर देते हैं बल्कि उसके बजाय पहले दिन पे आपने प्लान करनी होती हैं चीज़ें क्या किस किस्म की चीज़ें प्लान करनी होती हैं आपने बायर परसोना बनाना होता है अब बायर परसोना अगर को किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप आसान लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि टारगेटेड ऑडियंस सेगमेंट को आप सिलेक्ट कर रहे होते हैं कि किस किस्म के वो लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर ऑनलाइन इंटरेस्टेड होने वाले हैं वो लोग कौन हैं उनकी एज ग्रुप्स क्या है उनके क्या एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर्स होंगे वो कौन से एरिया से हो सकते हैं इन तमाम चीज़ों को अपने पास आपने नोट डाउन करना है अब भले ही वो आप नोट पैड पर टाइप कर लें या अपने पास पर्सनली ख़ुद से लिख लें मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि एक नोट पैड और पेन लेके मैं शुरू की सारी ब्र स्ट्रोमिंग सेशनस को मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ विद uh, पर्सनली राइटिंग उससे होता है कि ख़ुद से लिखने में काफ़ी जो आइडियाज़ रफ आ रहे होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से मैं रिकॉर्ड कर पाता हूँ और बाद में उसको मैनुअली मैं टाइप कर लेता हूँ आफ्टर माई uh, प्लान मैं उस क्लाइंट्स क्ला, के साथ डिस्कस कर सकूँ तो पहले आपने क्या करना है अगर आप किसी भी क्लाइंट का प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो आपने जाना है उसके साथ पहली मीटिंग रखनी है उसके प्रोडक्ट उसकी सर्विसेज उसकी टारगेटेड ऑडियंस को समझ के आना है एक घंटे की मीटिंग कर लेनी है या आधे घंटे में जितनी देर में तुम समझ लो सारी चीज़ें उससे तमाम चीज़ें समझनी है और उसको कुछ भी कोट नहीं करना है उसी वक्त आना है एक छोटा सा बायर पर्सोना बनाना है टारगेट ऑडियंस सेगमेंट सेलेक्ट करना है कि भाई मेरी टारगेट ऑडियंस मैं मिसाल लेता हूँ जूतों की सही है नाउ यू वॉन्ट टू क्रिएट अ ब्रांड विच सेल्स शूज़ मिसाल के तौर पे वो स्नीकर्स भी हो सकते हैं प्रोफेशनल शूज़ भी हो सकते हैं किड्स शूज़ भी हो सकते हैं काफ़ी कैटेगरी के तो आपने सबसे पहले क्या बनाना है आपका बायो पर्सोना क्या होगा कौन से लोगों को ये सबसे ज़्यादा ब्रांड टारगेट कर रहा है अगर स्निकर्स हैं मिसाल के तौर तो पे तो वो यंगस्टर्स को ज़्यादा टारगेट कर रहा है इन यंगस्टर्स की अमूमन एज क्या होगी आप उससे पूछ लें जनरली अगर उसकी शॉप है इससे पहले या वो इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहा है तो उसको पता होगा कि जो उसका मोस्ट प्रोमिनट बायर है उसकी एज सेगमेंट शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है वो आप एक फॉर्मेट में ले लें कि मिसाल के तौर पे आ, 16 साल से लेकर 22 साल तक के मोस्ट परमानेंट टीयर ए बायर्स होंगे जो फॉरेन बाय कर लेते हैं उसके बाद 22 से 26 साल तक के लोग भी बाय कर लेते हैं इस तरीके से आप डिटेल्स ले लेंगे भाई दिस इज द एज ग्रुप और उसके बाद उसके, उनका बिहेवियर चेक करें किस किस्म का है वेल well, अगर यंग एंड एनर्जेटिक हैं वेदर या फिर ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स हैं या बिल्कुल किड्स हैं जिनके uh, लिए बाइंग uh, जो है वो पेरेंट्स कर रहे होते हैं इस किस्म की चीज़ें नोट डाउन कर लें हर बिजनेस के लिए आप भले ही किसी भी बिज़नेस की डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो सब के अंदर प्रोसेस सेम होगा इस तरीके से अपने आपके पास एक पूरा पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपके बायर का परसोना मतलब ना तुम्हारा जो इनिश मोस्ट uh, uh, पोटेंशियल uh, बायर होगा उसका एक पूरा परसोना बन के आ जाएगा कि इस किस्म का दिखता होगा तुम्हारा आइडियल कस्टमर अब जब ये तुम्हारे पास डिटेल्स आ जाए उसके बाद सेकेंड थिंग जो तुम्हें ऑन पेपर करनी है दैट इज़ सेट असाइड योर यू या फिर अपना विजन वहाँ पे लिख लो कि व्हाट डू यू वांट टू डू दैट इज़ डिफरेंट व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन तुम्हारे ब्रांड के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए जिसको तुम जिसको लेके अपने प्रोडक्ट की तुम विजिबिलिटी बढ़ा सको मिसाल के तौर पे शूज़ के अंदर ही बात कर लेते हैं शूज़ के अंदर ही आप क्या ऐसा बेहतर दे रहे हो मिसाल के तौर पे मे बी आपने स्मार्ट चिप उसमें लगा ली है या फिर आपका सोल सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है मार्केट के अंदर आपने या कोई न्यू इनोवेशन किया है या फिर आपके शूज़ धूप में आके कलर बदल लेते हैं मिसाल के तौर पे कुछ ना कुछ एक्स वाई ही होगा या कोई ना कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि बाकी कॉम्पिटिशन से थोड़ी सी आप बेहतर लेवल पे कर रहे हो अगर ये चीज़ें लिखोगे नहीं ना तो आप क्या होगा आप मार्केट में जाओगे ऐड चलाओगे ऐड पर पैसा ज़ाया करोगे उसके बाद पलट के आओगे वापस आके इन्हीं चीज़ों को फिक्स कर रहे हो तो वाई नॉट डू इट इन द फर्स्ट प्लेस अब इसी तरीके से अगर तुम्हारी कोई ट्रैवल ग्रुप है जिसकी तुम मार्केटिंग ऑनलाइन करा रहे हो तो ट्रैवल ग्रुप के अंदर भी तुम ऐसा क्या कर रहे हो कौन से सेगमेंट को सबसे ज़्यादा एंटरटेन कर रहे हो मिसाल के तौर पे वन यू एस पी कैन बी कि तुम्हारा ट्रैवल ग्रुप सिर्फ फैमिलीज़ को केटर करता है और फैमिलीज़ को कैटर में स्पेशलाइज़ करता है या फिर ज़्यादातर एयर ट्रैवल्स तो चीपेस्ट उसमें तुम प्रोवाइड करते हो जो तुम टूरिस्ट ग्रुप को लेके जा रहे हो या फिर तुम यंगस्टर्स को ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हो पाकिस्तान टूरिस्ट के अंदर तो इस तरीके से कोई ना कोई अपना तुम यूएसपी बनाओ और उनको ना अपने पास नोट डाउन कर लो विद अलोंग विद बाय पर्सोना अब ये दो चीज़ें जो तुम्हारे पास आ गई ना इसकी बेसिस पे आगे तुम डिसीजन मेक करने वाले हो ठीक है तो स्टेज जीरो के अंदर तुमने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया जिसकी बेसिस पे आगे तुम्हें डिसीजन मेक करने में हेल्प होगी नाउ स्टेज वन अब तुम आओगे अपने ब्रांड नेम के ऊपर अब तुम ब्रांड नेम डिज़ाइन करना शुरू करोगे ब्रांड नेम डिज़ाइन करते हुए दो चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है वन मेक इट यूनिक यूनिक इन अ सेंस डैट के उसकी एस सी ओ के परस्पेक्टिव से एस सी ओ करना ज़्यादा आसान हो अगर तुम एक बहुत कॉमन वर्ड लेने वाले हो जिसके ऊपर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई डी ए की डोम रैंक हैंंगी तो भाई आपको एस सी ओ में बहुत डिफिकल्टी होगी सेकेंड दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि तुम्हारा जो भी ब्रांड नेम तुम बनाने वाले हो इट मस्ट बी ईजी टू रिमेंबर ओके ज़्यादा आसानी से याद हो जाए अगर ज्यादा आसानी से याद नहीं होगा कस्टमर फॉरन भूल जाएगा उसने किस कंपनी के साथ काम किया था या किस कंपनी का एड देखा था तो मेक दैट श्योर तो दो चीजों का ध्यान रखना है सबसे पहले ये यूनिक हो ईजी टू और दूसरा ये कि ईजी टू रिमेंबर हो इन दो चीजों का अगर तुमने ब्रांड का नेम रखते हुए ध्यान रख लिया तो बिंगो बेहतरीन काम कर लिया नेक्स्ट यू विल मूव टू लोगो लोगों भाई ध्यान डिज़ाइन करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना कि बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ों की तरफ नहीं जाना है कभी तुमने पेप्सी का लोगो देखा है उसको अब एज अ डिज़ाइनर परस्पेक्टिव देखो पेप्सी का लोगो बहुत ईजी टू रिमेम्बर है मैकडोनल्ड का देख लो उसने सिंपल एम बनाया हुआ या, या नाइकी का देख लो इसी तरीके से जितने मेजर ब्रांड्स तुम देखोगे ना ज़्यादातर का मोस्ट ऑफ टाइम उनका लोगो है जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल एंड इजी टू रिमेंबर वो किस लिए है ताकर उनकी ब्रांड विजिबिलिटी ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग ज़्यादा टाइम तक याद रखें अब जैसे एप्पल ले लो एप्पल ब्रांड कितना मशहूर है लेकिन उसका लोगो देखो सिर्फ एक सिंपल सा एप्पल है वो जो साइड से कटा हुआ है बहुत सिंपल सा है तुम्हें कोई बहुत फैंसी सी चील नहीं बना देनी है उसके लिए कि नहीं ये मेरी उड़ता हुआ उकाब रिप्रेजेंट करने वाला है मेरे ब्रांड को नहीं भाई कोई कुछ बहुत सिंपल सा बनाओ जो कि ज़्यादा आसानी से याद रहे ताकि अगर बाद में तुम्हारी ब्रांड विजिबिलिटी के ऊपर भी उस लोगों का इम्पैक्ट आता है अब तुमने ये प्लानिंग वाले पार्ट साइड में रख लिए तुम्हारे पास एक अच्छा ब्रांड नेम आ गया एक लोगो आ गया अब तुमने जाना है ब्रांड कलर्स की तरफ ब्रांड्स कलर का को सिलेक्ट करते हुए भी भाई वो कलर सेलेक्ट नहीं करना होता जो तुम्हें अच्छा लग रहा है तुम्हारी पसंद के हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही होती ब्रांड कलर सेलेक्ट करने के लिए भी ना कुछ चीज़ों का कुछ साइंसेस का ध्यान रखना होता है भाई ब्रांड सेल्स ना साइकोलॉजिकल लेवल से स्टार्ट हो जाता है जो ये जो कलर्स हैं ना हमारी इन्वायरमेंट uh, के अंदर ये सब कलर्स कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाइक वाइट सिग्निफाई करता है इनोसेंस इसी तरीके से वाइट एंड गोल्ड का तुम कॉम्बिनेशन देखोगे जो कि एलिगेंस को रिप्रेजेंट करता है रेड कलर सिग्निफाई करता है हंगर को टेस्ट को इसीलिए तुम देखोगे जो फूड चेन्स होती हैं वो ज़्यादातर रेड कलर का इंतख्य करती हैं क्यों करती हैं वो भाई मैकडोनल्ड अपने ब्रांड में रेड कलर इतना क्यों यूज़ करता है क्योंकि इट मेक्स यू फील हंगरी ये साइकोलॉजिकल लेवल पे चीज़ें डिसाइड कर लेता है आपका माइंड इसी तरीके से आ, तुम बैंक्स के लोगों देख लो ज़्यादातर बैंक के लो, जो लोगो होते हैं वो ब्लू होते हैं क्यों होते हैं भाई ब्लू क्योंकि इसलिए क्योंकि ह्यूमन माइंड ब्लू कलर को ट्रस्ट के साथ रिलेट कर पाता है इसीलिए ज़्यादातर ब्रांड्स ब्लू कलर का इंतब करते हैं कुछ थोड़ा सा आउट भी चले जाते हैं बट मोस्टली लोग जो वो, जो वो ब्रांड्स जो कि इन कलर साइंसेस को समझते हैं वो उनको इस हिसाब से लेके चलते हैं तो कोशिश करो भाई इसको काफ़ी एडवांटेज ले लो अपनी मर्जी से कोई भी रेंडम से रेम्बो कलर्स नहीं यूज़ कर लो यूज़ ओनली टू और मे बी थ्री कलर्स डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट और उनमें भी कलर्स का मीनिंग समझ लेना बनाने से पहले ठीक है कलर्स तक आपने पहुंचा दिया अब नाउ यू विल डिज़ाइन द वेबसाइट वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर तो मैं मैं कुछ एस्पेक्ट्स बता देता हूँ कुछ चीज़ों का जिनका ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा फ़ैंसी वेबसाइट नहीं बनानी और कुछ भी विच डज नॉट नीड्स टू बी देयर रिमूव इट अब होता क्या है यार हम लोग ना बहुत ज़्यादा फैंसी वेबसाइट बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो और ना कचरा कबाड़ ऐड कर रहा होता है यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर यूज़र को कोई भी वो चीज़ मुझे दिखानी नहीं है जो वैल्यूएबल नहीं है वेबसाइट के ऊपर वैल्यू क्रिएट करनी है रिमेंबर यू हमने सेट किए थे हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ें ज़्यादा ऊपर लेके आनी है ज़्यादा विजिबल दिखानी है जो हमारे प्रोडक्ट के लिए यूएस पीस होंगी और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं उन सबको हटा देना है कोई फैंसी एनिमेशन हमें नहीं चाहिए सिंपल एंड क्लीन एंड फास्ट लोडिंग वेबसाइट चाहिए मेक श्योर sure करना है कि विद इन फर्स्ट सेकेंड हमारी वेबसाइट के ऊपर इतना कुछ लोड हो गया हो कि यूजर कर स्क्रोलिंग करना एक पेज पे दो कॉल टू एक्शन इज मोर देन इट्स फाइन डोंट ओवर डू द थिंग्स एक पेज के ऊपर छ सेक्शंस इज मोर देन इनफ डोंट ओवर ओवर डू दिस कुछ वेबसाइट्स को मैं देखता हूँ कि भाई बारह बारह पच्चीस पच्चीस सेक्शन की भाई लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई पाकिस्तानी ब्रांड्स ने और वो ये नहीं सोच रहे कि भाई तुम्हारा कौन सा यूज़र सबसे एंड तक आ रहा है उसके अलावा मेक दैट श्योर कि तुम्हारे प्रोडक्ट का यू जो है जिसकी वजह से तुम चाहते हो तुम्हारा प्रोडक्ट जाना जाए उसको सबसे ऊपर हीरो सेक्शन के करीब करीब तुम रखो ताकि जैसे यूज़र देखे सबसे पहले उसके दिमाग में उस ब्रांड की वो इमेज पोर्ट्रे हो सके ऐसा नहीं करना भाई कि तुमने चौदहवें नंबर पे या फिफ्टीन नंबर पे तुमने यू एस पी वाले पार्ट को या इंपॉर्टेंट सेक्शंस को रखा हुआ है इसकी वजह से होगा क्या कि यूज़र तक वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाएगा और क्योंकि यूज़र इरीटेट होगा तुम्हारी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा ठीक है तो वन यूज़ यू एस पी इन द स्टार्ट ऑफ वेबसाइट टू रिमूव एवरी ईच एंड एवरी एक्स्ट्रा पार्ट दैट यू थिंक डज नॉट क्रिएट और एड वैल्यू टू द पेजेस सारे फजूल कबाड़ को हमने साइट पर लगा दिया थ्री एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट

मेक श्योर एवरी थिंग इज वेरी सिम्पल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड जब तुम किसी पेज पर पे जा रहे हो सर्विसेज के पेज पे, पे अपनी कंपनी की बढ़ाइया मत बताओ पहले सिर्फ उसको बताओ कि वॉट आर द सर्विसेज एंड हाउ दी सर्विसेज कैन एक्चुअली हेल्प द कस्टमर सही है कोई भी चीज हमने ओवर डू नहीं करनी है वंस वी आर डन विद द वेबसाइट अब देखो तुम्हारा ब्रांडिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है तुम्हारा लोगो इज देयर ब्रांड कलर इज देयर वेबसाइट इज देयर ईच एंड एवरी प्लानिंग पार्ट इज डन नाउ यू हैव टू सेटअप मेजरमेंट्स अब सबसे पहले तो, तो तुम ये सिलेक्ट कर लो कि तुम एड मीडियम पर कौन से जा रहे हो अब जो तुमने ऑडियंस सेलेक्ट की थी ना इन द फर्स्ट प्लेस एज आई सेट वो जो ब्लू प्रिंट है ना वो तुम्हें हेल्प करेगा आगे डिसीजन मेक करने में अब मैं ब्लू प्रिंट उठा के देखूंगा कि कौन सी एज के लोग हैं और कौन से मीडियम पे वो होंगे लाइक मुझे लिंक इन पे मार्केटिंग करनी है क्या अगर मुझे प्रोफेशनल्स को टारगेट करना है या मुझे यंगस्टर्स को टारगेट करना है तो मैं मोर ऑफ इंस्टाग्राम पर जाऊँगा या स्नैपचैट पर जाऊँगा इसी तरीके से अगर मुझे ऐसे लोगों को टारगेट करना है जो कि फ़्री टाइम जिनके पास ज़्यादा होता है जो कि फ़ेसबुक ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर मैं फ़ेसबुक पे जाऊँगा वरना अगर मेरा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ऑन डिमांड लोग सर्च करते हैं और फेसबुक देखते हुए बाय नहीं करते तो फिर मैं गूगल एड्स की तरफ जाऊँगा मैं मैं आपको ना एक मिसाल देता हूँ अगर तुम जूता बेच रहे हो तो तुम फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के थ्रू ईजिलीली बेच सकते हो लोग ज़्यादातर गूगल पर सर्च करके जूता नहीं लेते ज़्यादातर उनको जो विजिबिलिटी के अंदर आता है सोशल मीडिया पर वो जाके उसमें से भी शॉपिंग कर लेते हैं अक्सर वो बेचते हैं अगर तुम पोर्टेबल हीटर बेच रहे हो या एयर कंडीशन को बेच रहे हो ज़्यादातर लोगों को जब डिमांड होती है ना उसकी नीड होती है तब वो सर्च करके उसको ढूंढने की कोशिश करता है फेसबुक पे देख के ज़्यादा नहीं लोग खरीदते कम आवाम ख़रीदते तो इसलिए आई विल टारगेट दोर्स और मीडियम फॉर माई एड्स बेस्ड अपॉन माई बायर पर और उसके बाद मैं उस पर टेस्टिंग शुरू करूँगा एड्स लेकिन स्टार्ट करने से पहले पहले मैं मेक श्योर sure करूंगा कि मेरा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे काम कर रहा हूँ तो मेरा पिक्सल और अगर गूगल ऐप्स के ऊपर काम कर रहा हूँ तो उनका गूगल टैग मैनेजर गूगल और, और फेसबुक दोनों को मैंने अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना है पिक्सल सेटअप करने के ऊपर भाई एक वीडियो देख लो इसी तरीके से गूगल टैग्स भी सेटअप करने के लिए एक देख लो UTM कि यू टी एम किस तरीके से यूज़ करते हैं किस तरीके से पता चलता है कि कौन सी कैंपेन से कौन सा क्लाइंट आया क्योंकि अगर तुम मेजर नहीं कर सकते ना तो भाई बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद को डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर समझते हैं उनको लेकिन कुछ बेसिक ना मेटर से समझ में नहीं आते जैसे सी पी सी क्या होता है सी पी ए क्या होता है सी पी एम क्या होता है और आपको यही नहीं पता ना जबकि आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या आ रही है एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में आपकी क्या कॉस्ट आ रही है इसी तरीके से कॉस्ट पर क्लिक क्या है एक क्लाइंट को वेबसाइट तक पहुंचाने में क्लाइंट की कितनी कॉस्ट आ रही है तो बाद में तो हम फ्यूचर प्रोजेक्शंस नहीं कर सकते हम किस तरीके से काम कर रहे होते हैं कि हम क्लाइंट को ए, दो महीने के टेस्ट डेटा के ऊपर ऊपर हम देख के उसको बता देते हैं हाँ भाई अब आपको कितना सामान बेचना है मिसाल के तौर पर शू वाले केस के अंदर दो महीने के अंदर मैंने टेस्टिंग की दो महीने में मुझे पता चल गया कि मेरी कॉस्ट पर एक्विजेक्शन है टू हंड्रेड रुपीज एक क्लाइंट को कन्वर्ट करने में दो सौ रुपए आ रहे होते हैं ये सब मैं कैसे देख रहा हूँ कि भाई मेरे पास मेजरमेंट डेटा है मेरे पास पिक्सल का डेटा अवेलेबल है उसमें से मैं रिट्रीव कर रहा हूँ इस डेटा को तो अब मैं क्लाइंट से बोल सकता हूँ कि अब तुम तो मुझे बताओ कि तुम्हें सौ सेल्स मारनी है हज़ार सेल्स मारनी है या पाँच हज़ार सेल्स मारनी है मंथली और जितनी भी कॉस्ट बनेगी हम बता देंगे कि भाई आपकी इतनी कॉस्ट लग रही है दो सौ रुपये का एक बंदा पड़ रहा है सौ सेल्स का मतलब है इतना एक हज़ार सेल का मतलब है इतना अब आप अपने बजट उस हिसाब से एक्सपेंड कर लो तो दैट इज़ अ मेट्रिक बेस्ड ऑन मेट्रिक्स कि मैं उसको एक्सपेंड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन डेटा आई हैव आई हैव एंड नंबर्स डोंट लाइ लेकिन जब तुम कोर्स करके निकले और तुम्हें ये पूरी साइकिल का नहीं पता है तो तुम क्लाइंट को फ्यूचर प्रोजेक्शंस नहीं दे सकते अच्छा तुमने पिक्सल सेटअप कर लिया प्रॉपरली पिक्सल का टैग तुमने यूज़ करना है तमाम साइनअप्स के ऊपर भी एक्ट टू कार्ड के अंदर भी थैंक यू पेज के ऊपर भी तुमने देखना है कि कन्वर्जनस कहाँ कहाँ पे हो रही हैं और उन कन्वर्जन्स की वैल्यू भी अपने पास नोट कर लेनी है कि भाई एक कन्वर्जन तुम्हारे लिए कितनी वैल्यूएबल है जैसे गूगल के अंदर तुम उसको बताते हो कि एक साइनअप के ऊपर तुम उसको थ्री हंड्रेड रुपीज़ मिसाल के तौर पर साइनअप तुम्हारी लिए वो वैल्यू है कन्वर्जन वैल्यू है इसी तरीके से गूगल फिर उस हिसाब से तुम्हारी बिडिंग को ऑप्टिमाइज भी कर लेता है तो काफ़ी सारे ऐसे मेट्रेसेस हैं जो मैं तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ इसमें अगर तुम थोड़ा सा डिटेल में जाओ तो तुम्हें काफ़ी अच्छा चीज चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी तो खैर अब जब तुमने मेट्रेसेस बना लिए अब मैं तुम्हें एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ एड्स स्ट्रेटजी के ऊपर भाई बूस्ट करने को एड्स स्ट्रैटेजी नहीं कहते फेसबुक मेटा का सूट जो है ना वो सीख लो एक दफा बैठ के बिजनेस मैनेजर को यूज करना सीख लो उसमें जाके भी पहले दो वीक तक तुमने सिर्फ टेस्टिंग करनी है ये देखना है कि स्टैटिक एड्स तुम्हारे लिए वर्क कर रहे हैं और भी तुमने देख लेना है कि इनिशियली तुमने क्या सेट करना है और जो कैंपेन भी तुम सेट कर रहे हो ना कैंपेन की देखो फनल बनाना अब ये चीज़ें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट डिलीवर डिल, कर लूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए देखो फ़नल का मतलब ये होता है कि फ़नल के अंदर ऊपर से बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं उसमें से फिल्टर होते, होते होते मतलब उस फनल में से तुम्हारे कन्वर्टेड क्लाइंट्स निकल आते हैं फ़नल के पहले पार्ट के अंदर तुम ब्रांड अवेयरनेस को यूज़ कर रहे होते हो मतलब अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाते हो थ्रू रीच रीचैट्स ठीक है ब्रांड अवेयरनेस और रीच ऐट कैम्पेन्स के थ्रू तुम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को पहले अव्वल तो अपने पेज पे गैदर करने की कोशिश करोगे आफ्टर दैट सेकेंड फेज कम्स इन कंसिड्रेशन कि लोग एक्चुअली इस प्रोडक्ट को कंसिडर करना शुरू करें उसमें तुम एक कैंपेन इंगेजमेंट के ऊपर चला सकते हो साइन uh, अप्स के ऊपर चला सकते हो या लीड फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो एंड थर्ड पार्ट कम्स कन्वर्जन इन विच यू विल यूज़ द शॉपिंग ऐट एंड ऑल्सो द री टारगेटिंग पार्ट्स पहले पार्ट के अंदर तुमने मिसाल के तौर पर एक लाख लोगों तक एट पहुँचाया सही है और तुम्हारे फेसबुक पेज के ऊपर या इंस्टाग्राम पेज के ऊपर ऑडियंस गैदर होना शुरू हो गई सेकेंड कंसिडरेशन के पार्ट के अंदर तुमने उन लोगों को टारगेट तो किया जो तुम्हारी पेज को लाइक करते हैं तुम्हारी वेबसाइट के ऊपर गए ये सब डेटा कहाँ से आएगा भाई पिक्सल के अंदर लास्ट वन एटी डेज तक का डेटा ऑनलाइन का आपका स्टोर होगा अगर आपने तमीज से उसको सेटअप किया हुआ होगा आपने उन लोगों का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया कि जो आपकी वेबसाइट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं लास्ट वन एट्टी डेज़ में आपकी किसी सोशल मीडिया पोस्ट के साथ इंगेज किया है या उन्होंने आपकी वीडियो देखी है मोर देन हाफ इस किस्म के मेट्रेसेस के ऊपर तो है पता चल जाएगा कि hey, अच्छा दिस काइंड ऑफ पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन बाइंग माई प्रोडक्ट सो दे आर मोर नियर टू माई बाय परसोना अब तुमने क्या किया इन्हीं लोगों को टारगेट किया इन्हीं लोगों के ऊपर साइनअप कैंपेंस चलाई केस अगर तुम सर्विसेज बेच रहे हो इसी तरीके से इन्हीं लोगों को टारगेट करते हुए तुमने एड टू तु कार्ड आ, आ, को टारगेट करते हुए वहाँ पे ट्रैफिक बेचना शुरू किया या आ, अब यहाँ से ना तुम्हारे पास कन्वर्जन आना शुरू हो जाएंगी सेकेंड पार्ट ऑफ फनल से थर्ड पार्ट में जब तुम जाओगे ना जो ऑलरेडी तुम्हारे बायर हैं और तुम्हारी वेबसाइट पे जा रहे हैं उनको तुम रीटारगेटिंग में यूज़ करोगे रीटारगेटिंग कैसे यूज़ करोगे भाई अगेन पिक्सल के अंदर सारा डेटा स्टोर है अगर तुमने पिक्सल ही फर्स्ट स्टेप के अंदर सेटअप नहीं किया था तो भाई सारी मेहनत आपकी गई पानी में तो इसीलिए बोलते हैं कि भाई पोस्ट को बूस्ट करने का मतलब डिजिटल मार्केटिंग नहीं है दिस इज़ अ होल कंप्लीट फनल स्टार्ट टू एंड और इसमें हंड्रेड परसेंट गारंटी ये होती है कि भाई आप कन्वर्जन तक पहुंच ही जाते हो थोड़ा सा आपको बर्निंग करनी पड़ती है मतलब स्टार्ट टू एंड आपकी थोड़ी सी एट कॉस्ट बर्न होती है टू गैदर दैट काइंड ऑफ ऑडियंस क्योंकि ऑब्वियसली तुम स्क्रैच से एक ब्रांड को बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा सा पैसा तुम्हारा ऑडियंस गैदरिंग के अंदर जाएगा लेकिन उसके बाद जब तुम सी तक पहुँच जाओगे ना कॉस्ट पर एक्विजिशन का मेट्रिक्स तुम्हारा निकल आएगा उसके बाद तुम कस्टमर को आगे जाके ट्रस्ट मी ऑन दिस तुम तो उसको कॉन्फिडेंटली पिच कर पाओगे कि भाई आपका एक कस्टमर कन्वर्ट करने में ये कॉस्ट लग रही है अब आप बताओ कितनी सेल लेके आनी है ठीक है इसी में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे गार्बेज uh, रिडक्शन और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मुझे कवर करनी है बट मैं ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है और मैं भी नहीं कर सकता बट ऑनेस्टली दिस इस वीडियो का पूरा ऑब्जेक्टिव ये था कि उन लोगों को जिन लोगों को uh, लगता है कि सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइन करके एडवर्टाइज़ uh, कर देने से डिजिटल मार्केटिंग हो जाती है मैं उनको एक पूरी वीडियो बना के बताना चाहता था कि भाई दिस इज़ अ कम्प्लीट प्रोसेस और इसके अंदर बहुत ज़्यादा आपका माइंड लगता है क्रिएटिव सेंस भी लगता है आपकी मैथ्स भी स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी स्ट्रांग जजमेंटल पावर होनी चाहिए और भाई डिजिटल मार्केटिंग के अंदर लेम एंड ऑडियंस के साथ डील करने के लिए ना जैसे कहते हैं लेस स्किलफुल लोग बहुत ज़्यादा हैं जिनको सिर्फ ग्राफिक्स डिज़ाइन करना और पोस्ट बूस्ट करना आती है लेकिन जो ट्रू वैल्यूएबल रिसोर्स है ना जो कि आपके ब्रांड को स्क्रैच से लेकर खड़ा कर सकता है और बोलता है भाई मैं करके दिखाऊंगा मैं आपकी सर्विसेज को बेच के दिखाऊंगा हंड्रेड एंड टेन परसेंट इस किस्म के लोग ना इतने कॉन्फिडेंट और डेटा ड्रिवन एंड ऑप्टिमिस्टिक लोग बहुत कम हैं जिनको अपने स्किल के ऊपर कॉन्फिडेंस हो भाई पोस्ट बूस्ट करने के लिए हज़ारों आ जाएंगे लेकिन कोई भी आपको रिजल्ट प्रॉमिस नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा क्यों क्योंकि वन दोट डो नॉट हैव द कंप्लीट सिस्टम दे आर नॉट सो कॉन्फिडेंट कि वो आपको पूरे स्टार्ट टू एंड लेके चल सकें तो आज की वीडियो में इतने होपफुली मैं कोशिश करूँगा इस किस्म की एजुकेशनल वीडियोज़ ऑन डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटी में और लेके आऊँ और आपके साथ शेयर करूँ शुक्रिया